हेलो दोस्तों, आज मैं सी फीवर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में हम सियो भान नाम की एक लड़की को देखते हैं। सियो भान एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है जो समुद्र के अंदर रहने वाले क्रिएचर और समुद्र की गहराई के बारे में रिसर्च कर रही होती है। अब अगले दिन ऑफिस में पार्टी होती है, लेकिन सियो भान को पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो अपने काम के प्रति काफी ज्यादा सीरियस होती है। इसलिए वो रिसर्च करने के लिए एक हफ्ते के लिए प्रीसिंग ट्रेवल करने के लिए जाती है, जहां उसकी टीम में 6 लोग सियारा, फ्रिया और उसका हस्बैंड गेरार्ड, शिप इंजीनियर ओमिड, जोनी, सियारा और सूडी होते हैं। वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। तभी ओमिड और बाकी के इंजीनियर शिप के इंजन को चेक करने लगते हैं। इसी वक्त वहां पर गेरार्ड आता है, जिसे देख इंजीनियर उसे पुरानी पेमेंट मांगने लगते हैं, जिस पर गेरार्ड उन्हें पुरानी पेमेंट देने का वादा करता है। यहां हमें पता चलता है कि गेरार्ड के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। यहां शिप में 6 लोग थे, लेकिन सोने के लिए मात्र 4 ही बेड थे। तभी सियो भान का फ्रेंड उसे बताता है कि सभी लोग 3-3 का ग्रुप बनाकर सोएंगे और सभी लोग मात्र 2-2 घंटे ही सोएंगे। ये सुनकर सियो भान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि 2 घंटे की नींद में वो काफी ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। पर उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस तरह सोने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम सियारा को देखते हैं, जो कि गेरार्ड के साथ आगे जाने की प्लानिंग कर रही होती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप एक एक्सक्लूजन जोन को क्रॉस करने वाली है। एक्सक्लूजन जोन वो होता है जहाँ पर शिप को जाने की अनुमति नहीं होती है। ये देखकर गेरार्ड और फ्रिया इस बात को किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें तो बस उनका प्रॉफिट ही दिख रहा था और वो उस शिप को उस जोन की ओर आगे बढ़ने देते हैं। अब रात में सभी लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और सियो भान डिनर करके सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ नींद नहीं आती, इसलिए वो शिप के टॉप पर आ जाती है, जहाँ उसे फ्रिया मिलती है। सियो भान को देखकर फ्रिया उसे समुन्दर की गहराई वाली एक बात बताती है कि एक बार एक शिप से इसी तरह कपल जा रहे थे, लेकिन उस लड़की के बॉयफ्रेंड की समुन्दर में गिरकर मौत हो गई, जिस कारण से वो लड़की काफी ज्यादा दुखी हो गई, इसलिए उसने अपने आप को समुद्र के हवाले कर दिया। तब से वो लड़की समुद्र के अंदर रहती है, जो कि अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो समुद्र के चमकते हुए पानी को देखकर बताती है कि ये चमकता हुआ पानी उस लड़की के बाल है। इसी तरह बातें करते करते और कुछ लोग सोते सोते इस रात को भी काट लेते हैं। इसके बाद अगली सुबह उन लोगों को शिप के पास एक फिश दिखाई देती है, जिसे देखकर सियो भान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि व्हेल कभी भी शिप के पास नहीं आती, क्योंकि वो शिप के शोर शराबे से दूर रहना पसंद करती है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि 1 मील की दूरी पर उन्हें एक व्हेल फिश का झुंड मिला है। इसके बाद अचानक से उनकी शिप किसी चीज में फंस जाती है। ये देखकर ओमिड जल्दी से नीचे इंजन को चेक करने के लिए जाता है, जहां पर उसे ब्लू और ग्रीन कलर का एक मटेरियल मिलता है। इसके बाद वहां पर सियो भान भी आ जाती है, जो उस मटेरियल का सैंपल ले लेती है। तभी फ्रिया को चेक करने पर पता चलता है कि वो अभी एक्सक्लूजन जोन में है। ये देखकर वो समझ जाती है कि इस कारण से ही उन्हें यहाँ पर बहुत सारी व्हेल दिखाई दी थी। अब गेरार्ड सियो भान के पास पानी के अंदर जाकर शिप के फंसने का कारण जानने के लिए बोलता है। असल में यहाँ केवल सियो भान के पास ही डाइविंग सूट था, इसलिए वो अकेले ही पानी के अंदर चली जाती है। जब वो पानी के अंदर जाती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेंटिकल्स मौजूद हैं, जो कि ग्लो कर रहे होते हैं। तभी एक डेंटिकल सियो भान पर अटैक करता है, जिससे वो बचकर किसी तरह शिप में वापस आ जाती है। इसके बाद वो सभी लोगों को बताती है कि उसने समुद्र के अंदर ग्लोइंग क्रीचर को देखा, जिसके बहुत बड़े बड़े डेंटिकल थे, जो कि शिप में चिपक गया है, जिस वजह से शिप वहाँ पर फंस गई है। इसके बाद गेरार्ड उस क्रिएचर को ऑक्टोपस का जायंट स्पीसीज बताता है और साथ ही उसे पकड़ने के लिए प्लान बताने लगता है। इसके बाद वो समुद्र के अंदर एक जाल डाल देता है, लेकिन उस क्रिएचर के काफी ज्यादा भारी वजन होने के कारण वो उस क्रिएचर को ऊपर नहीं खींच पाते। तभी जोनी का हाथ रस्सी खींचने वाली मशीन में फंस जाता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब सियो भान उसके खून के पास उसी मटेरियल को नोटिस करती है, जो की उसे इंजन रूम में मिला था। अब ये सब लोग यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके होते हैं, क्योंकि इनके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और साथ ही उनका रेडियो भी खराब हो चुका था, जिस कारण से वो किसी से हेल्प नहीं मंगा सकते थे। अब वो नोटिस करते हैं कि उनके पास खाने की भी कमी आ रही है। ये सब देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। अब सियो भान को कुछ दूर एक दूसरी शिप दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सियो भान, जोनी और गेरार्ड अपनी शिप से एक छोटी शिप निकाल कर उस दूसरी शिप के पास जाने लगते हैं, जिससे कि उन्हें वहाँ रेडियो और कुछ खाने पीने की चीजें मिल सके। उस शिप पर उन्हें जाने के बाद पता चलता है कि उस शिप पर कोई भी नहीं है और वो शिप पूरी तरह खाली है। साथ ही उस शिप का रेडियो भी खराब था, जिससे कि वो हेल्प भी नहीं मांगा सकते।
करते थे। इसके बाद वो चेक करने के लिए उस सीप के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ डेड बॉडी दिखाई देती है। वो सब लोग नोटिस करते हैं कि उन डेड बॉडीज की आंख गायब है। तभी गेराड उन्हें कहता है कि शायद इन लोगों को सीप फीवर हो गया होगा। अब गेराड सियोबान और जोनी को बोलता है कि उन्होंने जो भी इस सीप पर देखा है वो बाकी लोगों को ना बताए, नहीं तो बाकी लोग भी पैनिक करने लगेंगे। अब वो तीनों लोग फिर से अपनी सीप पर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग उन्हें बताते हैं कि सीप को उस क्रिएचर ने छोड़ दिया है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वापस जाने की बजाय वो फिर से एक्सक्लूजन जोन के अंदर जाने लगते हैं। अब गेराड फ्रिया को फिशिंग करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रिया उसे समझाती है कि अगर हमने फिशिंग की तो फिर से वो क्रिएचर हमारे पीछे आ जाएगा। लेकिन गेराड उसे समझाता है कि अगर उन्होंने फिशिंग नहीं की तो उनके साथ साथ उनका घर भी बिक जाएगा। यहाँ गेराड को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो फ्रिया को काफी सारी मछली पकड़ने के लिए कहता है। और यही कारण था कि गेराड अपनी सिप को एक्सक्लूजन जोन में लाया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिशिंग करने के लिए नहीं आता था, जिस वजह से इस एरिया में उन्हें काफी सारी फिश मिल सकती है। अब क्योंकि उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए फ्रिया फिशिंग करने के लिए मान जाती है और फिशिंग करने लगती है, जो कि जाल डालकर काफी सारी मछलियों को पकड़ लेती है। अब रात होने पर सियोबान और उसका फ्रेंड जोनी दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए बातें करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। लेकिन तभी वहां पर सूडी आ जाता है और उन्हें डिनर के लिए ले जाता है, जहां पर सभी लोग खुश होकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जोनी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, इसलिए वो स्विमिंग करने के बहाने समुन्द्र में जाता है, जिसे समुन्द्र में जाता हुआ देख कर सियोबान और सियारा उसे रोक लेते हैं। इसके बाद सियोबान जोनी से अपना हाथ चेक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जोनी उसे मना कर देता है और तभी उसकी आंखों में दर्द होना चालू हो जाता है। इस दौरान सियोबान जोनी की आंखों में कुछ नोटिस करती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। वो ये बात सभी लोगों को बताती है। इसके बाद गेराड उसकी आंखों को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता, इसीलिए वो सियोबान को उसका हेलुसिनेशन कह के इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद सूडी सावर लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जोनी की आंखें और भी ज्यादा दर्द करने लगती है, जिस कारण से वो अपनी आंखों को पानी से धोने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके बाद उसे धुंधला नजर आने लगता है। इसके बाद उसकी आंखें अचानक से फट जाती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। ये देख सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर से पैनिक होने लगते हैं। तभी सियोबान उन्हें बताती है कि जो सीप पर हमें केमिकल मिला है वो दरअसल एक पैरासाइट है और वो सीप के पानी में आ चुका है। इसके बाद ओमिट को याद आता है कि सूडी सावर लेने गया हुआ है, इसीलिए वो लोग उसे बचाने के लिए रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन सूडी उनकी बातों को मजाक में लेकर इग्नोर कर देता है। तभी सावर में पानी आना बंद हो जाता है और वो मटेरियल आना चालू हो जाता है, जो सूडी पर अटैक कर देता है और सूडी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। ये सब होने के बाद सियोबान उन्हें बता देती है जो सब उनने दूसरी सीप पर देखा था। अब गेराड सियोबान और ओमिट को हर 2 घंटे में पानी चेक करने के लिए कहता है, इसलिए वो दोनों जाकर वाटर फिल्टर को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस पैरासाइट ने उनके फिल्टर को खराब कर दिया है। इसके बाद वो सभी लोग सुबह जोनी का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद सियोबान को सिप पर फिर से वही पैरासाइट दिखाई देता है। फिर सियोबान उस पैरासाइट का सैंपल ले लेती है। इसके बाद वो उसे माइक्रोस्कोप से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी वेल सिप का बैक्टीरिया है जिसमें से एग निकल रहे हैं। ये देखकर सियोबान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इस बात को सभी लोगों को बता देती है। इसके बाद सियोबान और ओमिड इस बैक्टीरिया को यूवी लाइट से खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर उस लाइट का कोई भी असर नहीं होता। तभी सियोबान के पास एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर हम सिप के आसपास करंट छोड़ दे तो उससे सभी पैरासाइट मर जाएंगे। ये सब करने के लिए फ्रिया उन्हें मना करती है, क्योंकि ये सब करने के बाद उनकी सिप का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनके पास इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिस कारण से उन्हें मजबूरन सियोबान की बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर सूडी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और सियोबान और ओमिड सिप के आसपास करंट को छोड़ देते हैं। सियोबान फ्रिया को यहीं पर सिप रोक देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन इस सिप के जरिए सिटी तक पहुंच गया तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर फ्रिया इस बात पर एग्री नहीं करती और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कहती है। इधर सियारा सूडी की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा दुख होता है और तभी सूडी भी मारा जाता है। अब वो सभी समझ चुके थे कि इस इन्फेक्शन
से बचना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद ये लोग सूडी का भी फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद सियोबान सभी लोगों को आगाह करती है कि वो शिप को लेकर किनारे पर ना जाए और साथ ही उन्हें सिटी से अलग 36 घंटों तक इसी शिप पर आइसोलेट होकर रहना होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों से कोई भी एग्री नहीं करता। लेकिन इसके बाद सियोबान के पास उनको समझाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए सियोबान जानबूझ के उस शिप के प्रोपेलर को तोड़ देती है, जिससे सियारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सियारा सियोबान को पंच मार देती है। अब सियोबान किसी तरह सभी लोगों को समझाकर मना लेती है और 36 घंटों के लिए इसी शिप पर रोक लेती है। इसके बाद वो सभी लोगों से अपना इन्फेक्शन चेक कराने के लिए कहती है, इसलिए सियोबान सबकी आंखों को टॉर्चर से चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता। लेकिन तभी सियोबान को याद आता है कि गेरार्ड का अभी तक चेकअप नहीं हुआ है। इसके बाद फ्रिया अपने हस्बैंड गेरार्ड की आंखों को चेक करती है, जिस पर गेरार्ड उसे चेक करने के लिए मना करता है। लेकिन फिर भी फ्रिया उसकी आंखों को चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि गेरार्ड इन्फेक्टेड है। सभी लोग ये जब जानकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद गेरार्ड सभी लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि उन्हें मछली पकड़कर पैसे कमाने थे। इसके बाद सियारा और ओमिड जेरार्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। इसके बाद वो सभी लोग शिप के टॉप पर जाने लगते हैं, जहाँ सियारा सियोबान को पकड़कर मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे सियोबान समझ जाती है कि अब सियारा भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसीलिए वो सियारा को पैर मारकर सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिससे सियारा की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद गेरार्ड और फ्रिया अपना आखिरी टाइम साथ में बिताते हैं और देखते ही देखते गेरार्ड की भी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रिया अकेले ही बोट लेकर जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद ओमिड उन्हें समझाता है कि वो 36 घंटों तक अकेले इस बोट पर नहीं रह पाएंगी। अगर उसने ऐसा किया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन फ्रिया डिसीजन ले चुकी थी और वो किसी की भी बात नहीं सुनती और फाइनली फ्रिया बोट लेकर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर ओमिड और सियोबान ही बचे होते हैं, इसीलिए वो शिप में फैले पैरासाइट को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद वो शिप के वाटर टैंकों को आग से गर्म करने लगते हैं ताकि वो छोटे छोटे पैरासाइट मर जाए। लेकिन जब वो टैंक का ढक्कन खोलते तो उन्हें पता चलता है कि उस एग से छोटे छोटे क्रिएचर निकलने लगे हैं। तभी वो क्रिएचर ओमिड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और समंदर में चला जाता है। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि टैंक के अंदर से समुंदर में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, यानी कि उस क्रिएचर ने सी के नीचे वाला हिस्सा खा लिया था, जिस कारण से ये लोग समझ जाते हैं कि शिप अब ज्यादा देर तक नहीं बचेंगी। इसके बाद वो दोनों लोग आग लगाकर शहर में सिग्नल देने की कोशिश करते हैं और रेस्क्यू सूट पहनकर अपने आप को बचाकर यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी दूर जाने के बाद एक शिप दिखाई देती है। इस दौरान ओमिड पानी में गिर जाता है, लेकिन उसे स्विमिंग कुछ भी नहीं आती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए सियोबान को पानी में कूदना पड़ता है। इसके बाद वो उसे बचाकर ऊपर लाने लगती है, पर वो क्रिएचर सियोबान के हाथ पर कट कर देता है, जिसके बाद सियोबान अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब वो दोनों बोट पर आ जाते हैं और सियोबान जानती थी कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो समंदर में कूदकर उस क्रिएचर को भटकाने की कोशिश करती है ताकि वो क्रिएचर ओमिड पर हमला ना कर सके, और सियोबान के सेक्रीफाइस से ओमिड फाइनली बच जाता है। इसके बाद ओमिड वहां पर हेल्प आने का इंतजार कर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।